हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद नागुरी। तो आज हम एक फार्मा कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने थंबनेल में देख चुका होगा, मार्क्सन्स फार्मा लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। काफ़ी दिनों से मेरे पोर्टफोलियो में ये कंपनी है और ये मुझे काफ़ी मेरी पसंदीदा कंपनी में से एक है। फार्मा सेक्टर में मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट काफ़ी पहले किया हुआ है, लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है कि इसमें ब्रेकआउट्स भी आ रहे हैं और इसके रिजल्ट्स लगातार बेटर होते जा रहे हैं, और फार्मा में ओवरऑल एक बुलिशनेस चल रही है ऑलरेडी। तो क्योंकि ये फार्मा सेक्टर से है तो इसमें भी मोमेंटम अच्छा खासा बनना चाहिए आने वाले समय में। तो इसी हिसाब से मैंने इसमें अपनी स्टे का कुछ और बढ़ाई भी है, एकदम रिसेंटली, मतलब आज ही बढ़ाई है। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी का रहने वाला है आने वाले समय पे। तो ध्यान रखिएगा, ये एक एडुकेशनल वीडियो है, तो आप अपने एडवाइज़र से बात करके कोई भी डिसीजन लीजिएगा बाय सेल होल्ड का। मैं सिर्फ एडुकेशन के हिसाब से मैं वीडियोस बनाता हूँ, और पिछले काफ़ी वीडियोस में जो भी हमने डिस्कस किए थे वो सभी स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। आप चैनल पर जा करके वीडियोज़ देख सकते हो। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख ही सकते हो, कंपनी का जो ये मार्केट कैप, मार्क्सन्स फार्मा लिमिटेड कंपनी का नाम है, कंपनी का मार्केट कैप 7,341 करोड़ है। स्मॉल कैप कंपनी है और करंट प्राइस 162 है और स्टॉक पी 23.2 है और इंडस्ट्री पी आप देख सकते हो 32 है, तो इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम है। और ROE ROC 18 और 22% है। 22% ROE 22% है, ROC है और 18.6% ROE है। डेट 6% पे है और प्राइस टू बुक देखो तो 3.91% पे है, 3.91 टाइम्स है। और ओवरऑल एज सच कोई इसमें सारे नंबर्स अच्छे ही हैं। इधर आगे मैं इसमें इन्वेस्टमेंट का कॉल क्यों लिया हूँ वो मैं आपको मेन मेजर पॉइंट्स में आपको डिस्कस करता हूँ आगे। पहले सेल्स देख लेते हैं। जैसे दिसंबर 2020 की सेल्स 358 करोड़ थी, जो बढ़ के 586 करोड़ हो गई है। और प्रॉफिटेबिलिटी अब देखो क्वार्टरली अगर देखो तो 59 करोड़, 2020 दिसंबर में थी जो 83 करोड़ पे आ गई है। तो ये आप EPS देख सकते हो, 1.44 से बढ़ते बढ़ते 1.84 तक पहुंच चुका है क्वार्टरली बेसिस पे। और ईयरली बेसिस भी देखो तो अगर 356 करोड़ की सेल्स थी, जो 2100 करोड़ की सेल्स TTM बेसिस चल रही है, तो काफ़ी मैसिव जंप है। और ये 2012 में ही एक ही बार इसने कंपनी ने लॉस बुक किया था 176 करोड़ का, और 13 के बाद में लगातार प्रॉफिट्स आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। अभी ट्रेलिंग बेसिस पे हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे खड़ी है कंपनी। और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अब देखो तो इसका ये लास्ट क्वार्टर में 84 करोड़ था और अभी 83 करोड़ से 1 करोड़ कम है हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट्स में से। तो ये भी मतलब मस्त है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और रिजर्व्स भी आप देखो तो -220 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1830 करोड़ हो चुके हैं। और बोरोइंग्स मोरलेस घटी है, आप देखो 2012 में 179 करोड़ थे, जो अभी 111 करोड़ है। तो ये भी अच्छी बात है। और डेटर डेज आप देखो तो 82 डेज चल रहे हैं अभी, जो कि मोटा मोटी कम की तरफ ही है। और ROC आप देखो तो अभी प्रेजेंट ROC 22% चल रही है ट्रेडिंग बेसिस। और इधर प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स आप देखो तो 43.44% करीबन है, और खास बात DIS की होल्डिंग इसमें देखो आप लगातार इधर बढ़ रही है 15.55%, अच्छा खासा स्टेक है। और DIS की होल्डिंग भी अब देखो 0.34 से बढ़ते बढ़ते 4.676% है। तो ये लास्ट क्वार्टर्स में ये दोनों DIS और FIS ने काफ़ी स्टॉक लिया है। और पब्लिक की होल्डिंग इधर घट रही है, देखो ये 35.81% हो गई है करीबन, कुछ परसेंटेज में घट गई है परसेंटेज पब्लिक की होल्डिंग, तो दैट्स ए गुड साइन। तो
ये तो रहा इसका टेक्निकल। अब इसमें फंडामेंटल, फंडामेंटल में खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो आप देख सकते हो, ये जो पी की लाइन है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो इसका काफ़ी कम पे है। आप देखो पिछला 10 साल का भी अगर देख लेते हैं, तो 10 साल का हाईएस्ट तो आप ये देखो 150 का पी, 162 का पी तक गया हुआ है स्टॉक। अभी प्रेजेंट P23 चल रहा है, और अगर मैं थोड़ा सा इसका मॉडरेटली हाई पी जो होता है इसका, ये 37-38 के आसपास रहता है, तो अगर वहाँ से भी आप देखो तो अभी 23 का पी है, तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। 60-70% तो ए पी पे पोटेंशियल लग रहा है, और आगे पीछे देखने से आप देखो कि ईपीएस लगातार इसका बढ़ रहा है, यहाँ से इस तरफ से पूरा यहाँ से एक अप ट्रेंड पे है, तो इसका पी एक्सपेंशन जब भी होगा ना तो बहुत बड़ा एक इसमें मल्टीबैगर वाला कंसेप्ट है इसमें आ सकता है। आप अगर मान के चलो अगर ये अगर एक बार ही इतना हाई पी आया तो कभी भी ये वापस से भी आ सकता है, तो इस तरह का पी अगर 100 100 टाइम्स का पी भी अगर आ जाता है तो भी आप सोच सकते हो 5 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा ये स्टॉक, तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। और सेल्स भी आप देखो तो लगातार सेल्स बढ़ रही है, 2005 में जो 79 करोड़ की सेल थी, आज 2024 में आकर के 586 करोड़ की सेल्स कर रही है क्वार्टरली, तो एकदम आप देख सकते हो लगातार इसका प्रॉफिट सेल्स बढ़ा है, और पी रेशियो के हिसाब से, ईपीएस के हिसाब से पी रेशियो गिरा है। तो ये इसमें फंडामेंटल और टेक्निकली अगर देखें तो मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है, ये आप यहाँ पे एक चीज़ आप दिखाता हूँ मैं आपको, ये पूरा चार्ट है, इसमें आप अभी प्रेजेंट प्राइस 162 चल रहा है। अब इसमें जो ये आप देख रहे हो ये वाली जो ट्रेंड लाइन जा रही है, यहाँ पे आकर रुका है स्टॉक, यहाँ पे आकर रुका है, इसका अभी हाई इसने जो अभी तक लेटेस्ट हाई इसने लगाया 177 का, उसके बाद यहाँ पे रुका हुआ है, और क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं लगातार, तो इसमें यहाँ से ब्रेकआउट होने की पूरी गुंजाइश है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जब ही ऊपर जाएगा, तो ये इसका सेकेंड ट्रेंड लाइन जो है, मैंने आपको मैं दिखाता हूँ, ये इस तरह से ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और इस दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो डेप्थ है उस डेप्थ को अपने ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं, ठीक है, फिर यही ट्रेंड लाइन को यहाँ पे लगाते हैं, तो ये यहाँ पे आप देखो इसका जो ये टारगेट जो नज़र आ रहा है इस प्रेजेंट लेवल से इसका ये टारगेट आ रहा है, अगर ये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को जब भी हिट करेगा, मिनिमम इस पे जो टारगेट है वो 278 रुपीज़, और राउंड ऑफ 280 मान के चलो, 280 रुपीज़ का इसमें टारगेट इस प्रेजेंट लेवल से इसमें आ रहा है, और ये परसेंटेज वाइज अगर देखो तो 72% 70% का गेन तो इसमें फर्स्ट टारगेट का, ये टेक्निकल टारगेट हो गया, और अदरवाइज इसमें क्योंकि फंडामेंटली इसमें काफ़ी पोटेंशियल है पी टर्म्स पे, तो इसमें आगे के लेवल्स भी बहुत अच्छे खासे लेवल्स आ सकते हैं इसमें, तो इसमें अगर हमने फिबोनाची लगाते हैं क्योंकि आगे का लेवल्स निकालने के लिए हमारे पास यही एक पैटर्न बचता है, तो इसमें देखो आप ये इस फिबोनाची के हिसाब से इसने 1.618 के टेबल्स को हिट करके एक बार नीचे रुका हुआ है, और इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे आप देखो 2.618 आता है, जो कि हमारी इस लेवल के आसपास ही आ रहा है, जो हमारा फर्स्ट है 300 जो 278 का 280 का जो टारगेट आ रहा था, उसके बाद फर्दर टारगेट्स जो है 388 का इसमें दिख रहा है, और उसके बाद का टारगेट 490 के आसपास है, तो इतना दूर नहीं भी जाते हैं अपने, तो यहाँ से फर्स्ट टारगेट 280 का और इस सेकेंड टारगेट करीबन 388 390 का, ये आप इतना आप भी इतना भी अगर ये टारगेट्स भी अगर अपने पास साल 2 साल में आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा गेन आ सकता है प्रेजेंट लेवल से, यहाँ पे 72% और ये सेकेंड टारगेट अगर हिट होता है तो 139% का यहाँ पे गेन है, तो ये मेरी टेक्निकल स्टडी मैंने की है इस स्टॉक पे, आप अपने हिसाब से देख करके कोई भी इसमें आप कॉल आप ले सकते हो अपने हिसाब से, मैं अपने एडुकेशन के हिसाब से दिखाता हूँ, और बाकी स्टॉक्स भी आप देख सकते हो वीडियो में जा करके, बाकी आप स्टॉक्स आप देखो आपको कैसा लगता है किस तरह से टारगेट अचीव होते हैं, टेक्निकली कैसे देखते हैं, फंडामेंटली क्या देखना होता है, तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए आपने हो चैनल में तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, थैंक यू।